घर पर सुरक्षित रहिए, छोटी सरदारनियों और कलर्स के साथ जुड़े रहिए। मम्मी जी, नहजी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। तुसी आप ही देख लो। हाँ यार, लेकिन कहाँ मैं कॉलेज की बच्ची, बीए फाइनल ईयर भी नहीं खत्म हुआ है। ओ कहाँ वो सरबजीत, अंकलों जैसे तो कपड़े पहनता है, और ये नेता वेता ना, they're not cool, बड़े बोरिंग होते हैं। ये महर एक मौका तो देख देख। वेखिया जाए जी, रब तुहानू लंबी उम्र बख्शे, बहुत सारी खुशियां बख्शे। क्या मम्मी जी, इन्हें इमोशनल क्यों हो रहे हो? सब ठीक चल रहे हैं। कौन जॉय जी, सब ठीक ही चलना है जब आप हो। बड़ी बागा वाली है मेरी महर कि आप जैसा पति मिला है। आप कितनी आसानी से हर हालात संभाल लेते हो। ये सब मैंने आपकी कुड़ी से ही सीखा मम्मी जी। बस अब रब से यही मांगना है कि मेहर जी मेहर कौर टिल्लों से मेहर कौर गिल ना बने। अगर वो मेहर कौर गिल बन गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। अब हमें हर एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा मम्मी जी। मेरे को डॉक्टर की बात याद है, उसने कहा था मेहर की याददाश्त पिट जाता चोर ना पा, जब मेरी मेहर को ठीक कर दे बस। फिक्र ना करो मम्मी जी, सब चंगा आएगा। चलो शाम में मिलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। अंकलों वाले कपड़े हैं। ओ आओ जी आओ जी, ओ मोस्ट वेलकम ओ जी आया नु जी, ओ सब ठीक ठाक है ना? आहो हो, ओ गिल साहब नजर नहीं आ रहे। वैसे सरब ब्रो, आपकी उम्र क्या होगी, 25 या 26? हेलो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, पकड़े जाएंगे। बिहेव नॉर्मली, ओके? ओ मेहर पुत्र, ओ देख गिल साहब आए हैं, ओ फैमिली के साथ, ओ नाश्ता चाय ले आ पुत्र, ओ छेती आ। वैसे आप दोनों क्या करते हैं? पढ़ते हैं जी, कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में? और आप दोनों की शादी नहीं हुई? नहीं जी, अभी कहाँ। हमने सोचा कि पहले हम अपनी बहन की शादी कर दें, उसके बाद हम अपना सोचेंगे, क्यों मम्मी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ गई मेरी कुड़ी। आजा मेहर। आप उतरा, शाबाश। वैसे आपको देख के कभी लगा नहीं था कि आप इतनी शर्मीली होंगी, दिस घूंघट एंड ऑल। लीन जी, अब आप गिल साहब का रिश्ता लेके मेरी मेहर के लिए आए हैं, तो इसमें तो लड़की शर्मा शर्मू जाती है ना? मेरी मेहर जी इतनी सीधी तो नहीं, जरूर इसमें इनकी कोई शरारत छिपी है। आलो जी, तुसी चाह पियो। ओ पुत्र, गिल साहब को चाह पिला। आलो जी। थैंक यू। इसमें तो काली मिर्च है। जीतू, ये कौन है सरपंच जी? ये हमारी माई है, जीतू माई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने वाली। बुजुर्ग जानी है, और चाह विच काली मिर्च पा देती तू। Thank you.
एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूं। ए जी, जीन्स एंड टी शर्ट, नॉट बैड। बैठो मैं बिना बूढ़े बैठो वहीं। ओके जी, जी मैं तो सिखाऊं। तुम्हें क्या लगा था मैं बाबा आदम के जमाने की लड़की हूं, जो चुन्नी से अपना सर ढकाए, हाथ में चाय का ट्रे लिए शर्माते हो तुम्हें सचरे काल बोलेगी और फिर अपने गुण गिनाएगी और फिर तुम्हारी पूरी फैमिली के वही घिसे पिटे डायलॉग सुने। हंस के दिखाओ, कॉलेज पढ़ते हो, गाना गा के सुनाओ ना, खाना क्या क्या बना लेते। नो थैंक यू, मुझे नहीं देना ये सड़ा हुआ सा एग्जाम, इसलिए तुम शू शटाक से मुझे रिजेक्ट करो और अपना रास्ता नापो। मेर्जी, प्यार मुझे हुआ है आपसे, इसलिए एग्जाम आपका नहीं मेरा है। उसमें नंबर देंगी मुझे और सिलेक्ट या रिजेक्ट करने का फैसला आपका होगा। स्मार्ट बॉय। अभी मैंने मुड़ने को नहीं कहा, वैसे ही बैठो। सॉरी। तुम्हें सिलेक्ट या रिजेक्ट करने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अब तुम तभी मुड़ोगे जब तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगे। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं मैडम जी। क्या कहा? हाँ? अब कुछ नहीं। कुछ तो मुड़-मुड़ मंत्र बोले तुमने। वो दरअसल मैं एग्जाम होने से पहले बाबा जी से प्रे कर रहा था कि अच्छे नंबर से पास हो सकूं। आप पूछिए सवाल। पहला सवाल, हमारे देश भारत में कितनी नदियां हैं? है? ऐसे सवाल कौन पूछता है? मैं पूछती हूँ। क्यों बच्चू, स्कूल शूल गए भी थे या बचपन से नेतागिरी कर रहे हो? बेबी बेबी, जल्दी जल्दी टुगल करो, टुगल देखो कितनी नदियां हैं। फोर हंड्रेड। मम्मी जी ने चार बार खांसा है, मतलब चार 400 नदियां हैं हमारे देश में। करेक्ट, लेकिन बोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? वो एक्चुअली नदियां गिन रहा था ना कितनी हैं, इसलिए। अब उन 400 नदियों के नाम बताओ। क्या ओके तो अब मेरी बारी, तो क्या आज मैं आपको डिनर पे ले जा सकता हूं? लेकिन एक शर्त है। जरूर जी जरूर, हर शर्त है मंसूर। वैसे शर्त क्या है? ये जो सारी मिर्चियां पड़ी है ना, आपको ये सारी खानी होगी बिना करे। अगर खा ली तो यस, वरना नो। है मम्मा, भूल गई कि पापा को मिर्ची कितनी तीखी लगती है। वो बेचारे पापा एक बाइट खाएंगे पानी पानी करने लग जाएंगे। मेहर जी, मैं आपकी हाँ के लिए मिर्ची तो क्या जहर तक आ सकता हूँ।
मे बी नो मेंढा यार मिला दे यार मिला दे यार मिला दे रब्बा मेरा यार मिला दे यार मिला दे यार मिला दे रब्बा मेंढा यार मिला दे यार मिला दे यार मिला दे रब्बा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? एक डिनर के लिए अपना मुंह साड़ोगे? मम्मी जी चीनी लेकर आओ, पानी पियो जल्दी। रब्बा वैसे आप डिनर में क्या लेना पसंद करेगी? मुगलई या फिर चाइनीज? पंजाबी। प्लीज कम। थैंक यू। ओके। सुमेर जी, आज आपने मुझे बहुत सारी हरी मिर्ची खिलाई। कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। क्यों, आप मुझसे बदला लेंगे? नहीं, बदला तो नहीं, लेकिन हाँ वाह वाही जरूर लूंगा। मतलब ये कि मैं एक ऐसी कमाल की चीज करूंगा कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाह। वो कैसे? मेन्यू। मेन्यू? आप मेन्यू पढ़ के अपनी फेवरेट डिशेस डिसाइड करेंगे और मैं आपकी आंखों में देखकर आपकी डिशेस के नाम बताऊंगा। इम्पॉसिबल। ट्राई तो कीजिए। यस मैम, प्लीज। रियली? रियली? ये लीजिए, हो गया डिसाइड, करिए ऑर्डर। ऑलराइट, सो ओके। एक्सक्यूज मी। यस सर। प्लीज टेक द ऑर्डर। वन प्लेट भरवा करेले, वन मां छोले की दाल तड़का मार के, वन मलाई कोफ्ता बिना काजू के, चूर चूर नान एंड दैट विल बी ऑल। एब्सोल्युटली राइट। देखा, मैंने कहा था। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं जी जिसे तहे दिल से पसंद करते हूँ उसकी पसंद ना पसंद तो पता ही होगी ना। अच्छा तो फिर मेरा फेवरेट कलर क्या है? ब्लू। मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स? वैसे तो शरीफ लड़कों को जुतियां मारना, लेकिन कैरम। इम्पॉसिबल। आपकी फेवरेट मूवी डीडीएलजी, आपका फेवरेट सिंगर किशोर कुमार, आपका फेवरेट पोएट शिव कुमार पटलावी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री और आपका फेवरेट पर्सन यहाँ आपके सामने बैठा। कोई बंदा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इससे मेरा कोई रिश्ता है? ये सच में इतना अच्छा है या अच्छे होने की एक्टिंग कर रहा है? अभी चेक करती हूँ। इसकी असलियत का अभी पता निकालती हूँ। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा आपने? वो एक्चुअली आपकी बहन के जो तीन बच्चे हैं वो एक्चुअली मेरी सिस्टर के नहीं वो। आओ। सॉरी सर, सॉरी, रियली सॉरी सर, माफ कर दो सर, प्लीज सॉरी सर। अब पता चलेगा इसका असली कैरेक्टर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इधर आइए आइए, बैठिए यहाँ पे। कम ऑन, कम 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 कम, सिट 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 सिट, रिलैक्स रिलैक्स, बैठिए बैठिए। ओके, इसे छोड़िए, ये लीजिए, पानी पीजिए पीजिए पीजिए। थैंक्स। कम ऑन। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। थैंक्स, यू आर ग्रेट सर। जस्ट रिलैक्स।
जितना मासूम आपका चेहरा है उतनी शरारती हैं आप। आपने मुझे चेक करने के लिए उस वेटर को जानबूझ के अड़ंगी दी ना। अब एनीवेज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक इन छोटी सी बेटी के लिए। और पुत्र, लेकिन जग्गा और अमृता के सुन के ना बड़ा ही दुख लगा। हाय हाय बेचारे, इतने जवान भाई भाभी, ये उम्र थोड़ी ना थी उनके जाने की। पुत्र, बड़ा ही अफसोस होया सुन के, हैं बड़ा ही अफसोस होया। मैं जी वो मौमसी किसी और जग्गा और अमृता के बारे में बात कर रहे थे। ओए मार सरब, ना तू भी इत्थे। ओए व्हाट अ सरप्राइज ते सरप्राइज। ओए अपनी मौमसी नु गले ता मिल, जफ्फी पा। मामसी, जग्गा विजय और अमृता भाभी को कल गए हुए 7 साल हो जाएंगे। मामसी, आप यहाँ कैसे? ओए पुत्र, की दसा मैं तो 14 दिन पहले ही कनाडा से आ गई थी। क्वारंटाइन थी इस होटल में। मैंने तो सोचा था कि यहाँ से जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना, सबसे पहले आप लोगों को आके सरप्राइज दूंगी। और यहाँ तो उल्टा तुम दोनों ने मुझे सरप्राइज कर दिया है। I'm so happy. वैसे मैर, ना मैंने गल दस, एक कौन सी कोई स्पेशल डेट पे आए हो यहाँ पर, है? वैसे सरबजीत जी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और बच्चे कहाँ हैं? और आपने ये क्या कपड़े पहने हैं? जीन्स और टी शर्ट आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। ओए मार भाई, ना ये तो ऐसे बातें कर रही है जैसे अभी अभी बड़ी गहरी नींद से जागी हो ना। मैं जी, वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की वजह से आपको कभी कभी याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम यहाँ डिनर करने आए थे। मैं जी, आप यहाँ आइए, आराम से बैठिए, मैं बस 2 मिनट में जाके मौमसी को चेकआउट करवा के आता हूँ। ओके ओके, कम ऑन। मेरे को एक बात बता, ये सब चल क्या रहा है? मौमसी, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। Because now even you'll have to be very careful.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.